अच्छा चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से एक नया अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था भाई भी बिटकॉइन को लेकर के भाई इसमें ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पर नए नए अपडेट्स आते जाते रहते, तो भाई अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाईबिट अभी एक्सचेंज पर आ चुका है, मतलब भाई लिस्टिंग तो हो चुकी है, पर अभी नहीं करना है, हमें बाइनेंस का इंतजार करना है। बाइनेंस सबसे बेस्ट होता है। ओके प्ले प्ले इन वन क्लिक। हैमस्टर कॉम्बैट की जो एयर ड्रॉप्स की डेट है वो है 26 तारीख। ओके अरे भाई नई नई चीज़ें आने लग गई है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक 26 सितंबर नहीं आ जाता, लिस्टिंग में हमारा बाइनेंस नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अर्न पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंज बताता हूँ आपको चूज़ करने के लिए, तो बाइनेंस टॉप पर है और बाइनेंस को हमेशा टॉप पर ही रहने देना चाहिए। बाइनेंस आने के बाद उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप, मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको 18, 19, 20 तारीख तक बाइनेंस आएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, एक मेरा मानना है, सजेशन है, जल्दी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइनेंस और ज़्यादा स्टडी करेंगे पहले, हैमस्टर कॉम्बैट आगे चल के तो इस तरीके से स्कैम नहीं करेगा। 26 सितंबर बोल तो दिया है पहले, उन्होंने जुलाई भी कहा था, अगस्त भी कहा था, अब सितंबर कह रहा, तो आगे चल के सितंबर हटा के वो अक्टूबर तो नहीं कर देगा, तो हमें बाइनेंस पे रुकना है, क्योंकि बाईबिट आ चुका है, ओकेएक्स आ चुका है, बाकी आने के हैं तो शायद बिटगेट आ सकता है, बिटगेट का मुझे लग रहा है, और या बिंगएक्स, ये दो चीज़ जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि बिंगएक्स के बारे में भी हैमस्टर ने पहले ही बता चुका है कि भाई हम लिस्टिंग करने वाले, पर अभी तक शो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, पर बाइनेंस आके तो भाई बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप टैप टैप करके डायरेक्टली अर्निंग कर सकते हैं। मैंने सजेस्ट किया था आपको अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइंस है तो भाई 25 लेवल का कार्ड लेके ज़रूर रख लेना यहाँ पर, ठीक है, अपग्रेड 25, आगे चल के ऐसा ना हो इन पूरी कैटेगरी में से आपका अपग्रेड कार्ड टू लेवल 25 रह गया और आप आगे वाले जो पड़ाव है एयर ड्रॉप तक ना जा पाओ, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर बैलेंस रखे है तो भाई उसे आप डायरेक्टली कार्ड खरीद दीजिए, बैलेंस बाद में भी आप बढ़ा सकते हो पीपीएच बढ़ाने के बाद। यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है हैमस्टर की तरफ से 824 ऊपर में मिलीज दिखाई दे रही है, जो कि गेम्स और यहाँ पर मिनी गेम्स से ऊपर में भी कीज दिखाई दे रही है, कीज आप बोर्ड से भी खरीद सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें भी आपको मैंने पिछले बार भी कहा था नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, तो भाई एक साथ आप कीज ले लेके मत डाल देना। बहुत दिन से मैं कीज नहीं ले रहा, 5-6 दिन हो गए, 5-6 क्या 10 दिन हो गए मुझे लगता है, 220 है तो 220 अभी लोगों के पास 600-700 भी पहुंच गई है, कमेंट जरूर करना आपके पास कितनी कीज है। ओके तो यहाँ पर आपको गेम्स दिखाई दे रहा है, गेम्स खेलते जाइए, कीज कलेक्ट करते जाइए, सबसे सिंपल तरीका है, पर अगर आपके पास गेम्स खेलने के लिए वक्त नहीं है और आप बहुत ज़्यादा बिजी है तो भाई आप दूसरे प्लान बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी गेम्स है, ठीक है, मिनी गेम्स खेलिए, हेक्सा पजल के बारे में मैंने आपको जस्ट बता चुका है, अभी मैंने जस्ट खेला नहीं है, ये गेम्स है आपके सामने, मैं डायरेक्टली प्ले करूंगे, हो जाएंगे प्ले स्टोर पर, यहाँ से आप प्ले करके डायरेक्टली की ले सकते हैं। भाई कभी कभी खेलना भी चाहिए मूड फ्रेश करने के लिए गेम्स। ओके पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इसकी वैल्यू होने वाली है आपके पास जो कॉइन्स बैलेंस बचेंगे, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि भाई बैलेंस कॉइन्स पर आपको दिया जाएगा कि भाई पीपीएच पर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा आपके सामने में 6 हमने कुछ टास्क दिए हैं, उसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली, देखिए बंदे लोग जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, घर है, घर पे आपको सिर्फ क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ से बंदे निकलते जाएंगे लड़ाई करते जाएंगे, ठीक है, ये कंप्लीट होते जाएगा, बंदे अंदर से निकलते जाएंगे, ये निकल गए मैक्सिमम फिर निकल गए। ओके इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इनको यहाँ से निकाल सकते हैं, अब ये दूर से तीर मारेंगे, वेरी गुड, हमारा ये फील हो गया, ये पूरा फील हो जाएंगे, फिर बाद में आपके इसमें आने लग जाएंगे, ठीक है, हैमस्टर कॉम्बैट के लिए जो आपको प्रोमो कोड लगता है वो कोड आपको मिल जाएगा, ये फुल होन दो और इसको भी फुल होन दो, दोनों तरफ से लिख रहे, तीर वाले काम अच्छे करते हैं, दूर से ही तीर मारेंगे, ये मारे ये मारे, अब उनके साइड से भी तीर है, फिर से कि आप ये ऑटोमेटिकली है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते जाएंगे और ये लोग काम करते जाएंगे अपना। ओके जिस तरीके से लेवल भी आपका बढ़ते जा रहा, ये लेवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारे लेवल 1 है, लेवल 7 फिर लेवल 15, इस तरीके से पूरी चीज़ें कंप्लीट होने लग जाएंगे, जस्ट वेट करते खेल लेना आप लोग गेम, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं गेम खेलूँ, कंप्लीट हो जाएगा, एग्जिट कर देता हूँ मैं। ओके थैंक यू भाई, बाद में ले लूँगा यार, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ओके इसके भी बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाते, इसी तरीके से बाकी भी गेम्स खेलते जाइए और आपको की लेना है, पर इसमें जो आपको पहले इसमें की मिलेगी वो 8 मिलेगी, फिर इसमें 4 4 4 4 4 4 4, बाकी इसमें सब में 4 4 मिलेंगे, और अगर आप अपने कॉइन्स बढ़ाना चाहते हो तो हेक्सा पजल गेम्स के थ्रू भी आप अपने कॉइन्स बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी कार्ड्स के बारे में, मैंने हमेशा कहा है अगर आप कार्ड्स ले रहे हो तो भाई ऐसे कार्ड्स लीजिए जिसमें आपको लगता है कि भाई हाँ इसमें हमारे ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे, जैसे मान के चलिए 76 मिलियन आपके पास कार्ड्स मत लीजिए, 76 मिलियन जा रही और आपको मिल रखे था 5 मिलियन, भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ अगर आप पीपीएच बढ़ाने के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल लीजिए, पर आप पीपीएच बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है स्पेशल पर जाके ये कार्ड्स लीजिए जिसमें 4000 76 में 4000 आपको पीपीएच बढ़ रहा है,
तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट किया हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बाकी चीज़ों में नहीं। पीपीएच बढ़ाइए एक लिमिट तक, आपको लगेगा कि हाँ इतना पीपीएच हो गया। कीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भाई कीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने गेम खेलने के लिए भी इसलिए कहा क्योंकि वहाँ से आपको कीज़ मिलेंगी। ओके, गेम खेल के आपको बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये डाउट रहता है, सर अगर हमने बॉट्स का इस्तेमाल किया हमारा अकाउंट हैक हो जाएगा, ठीक है, या अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई गलत फहमी में हो आप, अगर गलत तरीके से करेंगे, एक साथ एक एक दिन में आप 20-20-30 की हर 5-5 मिनट के अंदर ले रहे हो तो भाई दिक्कत हो जाएंगी, है ना। 15 मिनट के बाद एक की लीजिए, फिर 15 मिनट के बाद एक की लीजिए, इस तरीके से बिना गेम खेले भी आप लीगल तरीके से ले सकते हो। इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको हमेशा कहा है अचीवमेंट में यहाँ पर आपको रोक देगा भाई बंदा, सम इज अचीवमेंट आर कॉमन, सम आर यूनिक। यूनिक की बात कर रहे हैं, 25 लेवल का कार्ड बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और रेस्क्यू टीम भाई ये 2 कार्ड बहुत ही ज्यादा यूनिक है। रेस्क्यू टीम का मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, आगे चल के इसकी जगह अगर कोई दूसरा कार्ड आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं तो गिल कार्ड तो आपके पास आ ही रहा है, उसमें से भी कुछ हेल्प मिल जाएंगी हमको लेकर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, विड्रॉल में 2 नाम आ चुके हैं, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं आया है, ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप विड्रॉल में करेंगे। अब लोग मुझसे कमेंट्स करते हैं, सर विड्रॉल में हम अपना पेमेंट ले सकते हैं या आपको अपना टोन वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा कहा है अगर विड्रॉल में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनके तरफ से आपको UID, एड्रेस, मेमो या टैग, ये चीज की जरूरत पड़ेगी है, और पढ़ने के बाद आपके डायरेक्टली अकाउंट पर पैसा आएगा HMSTR, वो भी आपके इसमें डॉलर के फॉर्म में, ठीक है, डॉलर के फॉर्म में दिखने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर जैसे कि डॉक्स का था ना सेम वैसा ही करने वाला, ये बंदा कुछ भी चीज चेंज नहीं करेगा। और एक बार आपने जो सबमिट कर दिए उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 26 सितंबर को लिस्टिंग डेट दिखाई दे रहा है तो ये 26 सितंबर को आपका आएगा और आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, उसके 1-2 दिन के बाद वो आपके अकाउंट पर पैसा आ जाएंगे। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, हम अपने तरफ से बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि 26 को ही हमारा पैसा आ जाएगा, नहीं, 1 दिन के बाद, क्योंकि इसमें आप डिटेल डालोगे उसके बाद कंफर्म करोगे, कंफर्म के लिए भी 1-2 दिन आपके पास दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं फिर डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा P2P की मदद से ही आप विड्रॉल कर पाएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप विड्रॉल करेंगे। पर अगर आप अपने टोन वैलेट पर लेते, कोई भी चीज आपने एक्सेप्ट नहीं की है, आपने बोले कि भाई मुझे एक्सचेंज नहीं है, बाय चांस मैं भूल गया, तो आपके टोन वैलेट में पैसा आएगा, जो भी आपने यहाँ पर वैलेट कनेक्ट किया ना टोन कीपर का, उस पर आपके इसमें डॉलर सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप फिर एक्सचेंज पर भेजो या डायरेक्टली आप स्टेक करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से मैं यहां पर जा रहा हूं, हाँ एक चीज और भी मैं आपको बताना भूल गया, यहां से जो ये दिखाई दे रहा ना फ्रेंड्स, भाई फ्रेंड्स बना के रख लेना, अटक जाओगे, एन टाइम पे नहीं बनेगा, और जितने टाइम में आप फ्रेंड्स बनाओगे उतने टाइम में लिस्टिंग की डेट भी खत्म हो जाएंगे, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसके कारण मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ओके, नहीं तो इग्नोर कर देंगे, बाद में बोलेंगे सर यार हमसे गलती हो गई, हमने फ्रेंड्स नहीं बना पाए। इसके कारण फ्रेंड सजेशन पर जरूर रखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हैमस्टर कॉम्बैट टोकन लॉन्च, तो यहाँ पर जो डेट है और इनकी जो, हाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग द प्री मार्केट फेज ऑफ द प्लेटफॉर्म लाइक द बिटगेट बायबिट, ओके, हैमस्टर हैज शोन सिग्निफिकेंटली वोलेटाइल विद प्राइस रेंजिंग फ्रॉम द 0.001 टू $130 इन द अर्ली ट्रेडिंग सेशन, हाउएवर इट्स लार्जली ड्रिवन टू स्पेकुलेशन प्राइस में स्टेबलाइज क्लोजर टू लॉन्च। 0.001 बोल रहा है बंदा बस उतना, और 0.00137, ठीक है, ये चीज हो सकती है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रही है। एंड इट इज ऑल्सो प्रिडिक्ट दैट हैमस्टर कुड स्टार्ट एट 0.01 एंड पोटेंशियल रीच एट 0.05 एंड ऑफ 2021, मतलब दिसंबर तक ये 0.05 तक जा सकता है 0.01 से लेकर, पर अभी इसकी जो वैल्यू रहेंगी 0.0001, 30 के बाद जो 1 आएगा उसकी ही वैल्यू रहेंगी। ओके, इफ द टोटल सप्लाई ऑफ हैमस्टर टोकन के जो टोटल सप्लाई 10 बिलियन होती है देन द प्राइस वुड बी 0.01 रह सकता है, मार्केट कैप वुड बी 100 मिलियन, विच इज वेरी इजी फॉर हैमस्टर टोकन टू अचीव, एंड भाई इसके तरफ से ये लार्जेस्ट एयर ड्रॉप बन जाएगा। तो देखते हैं कितना क्या मिलता है, आपके अभी पीपीएच कितना है और कितनी की कलेक्ट करके रखे तो मुझे जरूर बताना, बाकी इसमें अभी अपडेट में तो इतना ही चीज दिखाई दे रही है, और भी कुछ अपडेट आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये 60 डेज का भी हमारे इसमें आ चुका है और ये क्वेश्चन मार्क्स भी हटना चाहिए, उसके बाद ही कुछ चीज हमारे इसमें हो पाएगा। 50 फ्रेंड्स का है, ठीक है, जितने ज्यादा फ्रेंड्स करके रखेंगे उतना ज्यादा, पर ये रेस्क्यू टीम का अभी तक कुछ भी नहीं है, रेस्क्यू टीम एक बार आ जाए उसके बाद आपका पूरी डिटेल कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिए, शुरू तो फ्रेंड्स का मैं चैनल अजाज इंजीनियर बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।